बेगम साहिबा को कमरे से बाहर ब्रश करना पसंद नहीं है। बकवास बंद करो, इस घर की मैडम साहिबा मैं हूँ और जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा, समझ आई? भाई साहब अपनी बकवास बंद करो और दूर हो जाओ इधर से। और आज के बाद अगर तुमने अपनी बेटी की कोई सिफारिश की तो यकीन करना घर से बाहर निकाल दूंगा तुमको। एक बात पूछूं? पूछे। कभी तुम्हें कोई लड़का पसंद नहीं आया गुल, मतलब लाइफ पार्टनर के तौर पे? क्या फर्क पड़ता है भाभी अगर मुझे कोई पसंद भी आता है? किसी को मैं पसंद आऊं ये बड़ी बात है, मुझ में तो कोई ऐसी खूबी नहीं है कि कोई मुझे पसंद करे। और अब तो एक टैग भी लग गया, मनहूस होने का। ये तुमसे किसने कहा कि तुम में कोई खूबी नहीं? माशाल्लाह खूबसूरत हो, ज़हीन हो, समझदार हो, सबसे बड़ी बात गुल तुम एक खूबसूरत दिल की मालिक हो। और जहाँ सवाल नहुसत वाली बात का, तो ये एक जाहिलाना सोच है, अल्लाह ताला की ज़ात से मुनकर होने की निशानी है। और आइंदा ऐसी बात कभी मत कर, इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता अल्लाह ताला के हुक्म के सिवा। आपकी आखिरी बात बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन पिछली सारी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं करती, वो आप सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कह रही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गुल, और अपनी ज़ात पे इत्माद रखो, ये ज़ाहरी चमक दमक खूबसूरती नहीं है। और मैंने जो तुमसे कहा है हर बाहर सच है। चले अगर आप कहती है तो मान लेती। ये मैं नहीं सब कहते हैं स्टूपिड, और अपनी ज़ात पे इत्माद रखो, यही शख्सियत का हुस्न है। तुम अपने साथ मेरा सब कुछ ले गई, मेरी नींद, चैन, सुकून, आराम और मेरी बरसों की बनाई हुई इज्जत भी अपने साथ ले गई। तुम्हारा इस घर से और इस घर वालों से कोई ताल्लुक नहीं है। याद रखना, तुम्हारे कदम इस घर के दरवाजे पे दोबारा कभी ना पड़े, वरना मेरे बस में होता तो मैं उसी वक्त मर जाता, कभी किसी को मुंह ना दिखाता। लेकिन मुझे अभी इस इल्लत की जिंदगी जीना है, पता नहीं कब तक, पता नहीं। मामू जान सब खैरियत है ना? आप यहां इस वक्त? बस बेटा नींद नहीं आ रही थी। खैर तुम जाओ, मैं भी जाता हूँ सोने। जिब्रान हम इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं वैसे? ये तो वही है मेरी जान, यहाँ रातें जागती हैं। तो क्या शॉपिंग मॉल्स भी खुले होंगे? शॉपिंग के लिए हम आज नहीं, हम कल जाएंगे। सही कह रहे हो, वहाँ हम जाएंगे शॉपिंग के लिए। वैसे मैंने नोट किया है शॉपिंग में तुम्हारी जान बसती है। हाँ वो तो है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम्हारे नाम से एक शॉपिंग मॉल बना दिया जाए। तंज कर रहे हो? तंज नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। वैसे भी डैड की प्लानिंग थी कि वो शॉपिंग मॉल बनाए, तो क्यों ना मैं उनसे बात कर रहा हूँ। सच? सच। और वैसे भी मैं तो तुम्हारा हूँ, तुम्हें सारी प्रॉपर्टी भी तुम्हारी है। I love you, I love you जितना। चले। कभी तुम्हें कोई लड़का पसंद नहीं आया गुल, मतलब
लाइफ पार्टनर के तौर पे? भाभी ने ये क्यों पूछा? क्या उन्हें मुझ पे शक हो गया है? मैं जिस तरह नौफिल के सामने खड़ी थी, उसे देखकर उन्हें जरूर कोई ख्याल आया होगा। इतनी शर्मिंदगी हो रही है मुझे, कैसे दूर करूंगी उनका शक? नौफिल, मैंने अपने दिल में तुम्हारी जो तस्वीर छुपा रखी है ना, मैं नहीं चाहती कि उसे कोई और देखे। मगर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मरियम भाभी को शक हो गया है, लेकिन मैं उनका शक दूर करके रहूंगी। ये मोहब्बत मेरे दिल में कैद रहेगी और मेरे साथ कब्र तक जाएगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझसे नहीं रुशना से प्यार करते हो, और उसकी लाख बेवफाई के बावजूद भी कभी उसे भुला नहीं पाओगे। मैं कभी तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं बन सकती, क्योंकि मुझ में रुशना जैसी कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं। शहूद मुझे शर्मिंदा करता रहता, माफियां मांगता रहता, सफाइयां पेश करता रहता, तो समझ में नहीं आता शैला कि मैं उसे कैसे समझाऊं। जो कुछ भी हुआ उसने, उनका तो कोई कसूर ही नहीं। अलबत्ता अगर वो लोग रोशना की हिमायत करते और उससे ताल्लुकात रखते तो फिर भी बात समझ में आती थी कि हम उनसे नाराज हों, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो जाहिर है फिर उनका तो इस तरह परेशान होना बेमानी। तुम ठीक कह रही हो, वैसे भी उन बेचारों पे बुरा वक्त चल रहा है। रुशना की बगावत, गुल की शादी का खत्म होना, उन्होंने तो दोनों बच्चों की खुशियां देखी। अच्छा ये बताएं, आपको वो लड़का कैसा लगा जिब्रान? हाँ शक्ल से तो ठीक ही लगा, लेकिन हाई फाई सोसाइटी का लड़का है और ऐसे लड़के रिश्तों को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। फिर भी दुआ है कि वो रुशना के साथ सीरियस रहे और इस रिश्ते को निभाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बच्चा बहुत प्यारा लगा है ना, ब्लैक शर्ट बहुत सूट कर रही है ना। बेटा तुमने बहुत अच्छा किया जो अपनी रूटीन की तरफ वापस आ गए, देखो जिंदगी हमेशा आगे की तरफ बढ़ती है और इंसान को उसके साथ चलना। जी बाबू। अच्छा आज ना मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी और गुल ने तुम्हारे लिए हलवा बना के भेजा सूझे। वैसे हलवा वो बहुत अच्छा बना था। चले मैं चलता हूँ। रुक जाओ मैं भूल दूँ तुम्हारे पर। अल्लाह नजरे बद से बचाए। खुदा हाफिज़। शुक्र है नौफल अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ आ रहा है। हाँ अल्लाह शुक्र। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगा सब। इंशाल्लाह। ये तो कोई सस्ता सहार है, ये यकीनन नौफिल ने दिया होगा। कंगला सोना देने के भी काबिल नहीं था, हीरे क्या। ये है असली हीरे का चमकता हुआ। वाह फायजा वाह, तुम तो बैठे बैठे लखपति बन गई। ऐसे अच्छा किया मेरी बेटी ने कि मंगनी तोड़ दी नौफिल से। समझदार जो है कि तो नहीं डिजर्व करती थी वो। कितना खूबसूरत है। वाह रोशना वाह, क्या अच्छा फैसला किया है तुमने। इसी चीज की चमक ही कुछ और होती है। भाभी, अल्लाह फातिमा, डरा दिया तुमने मुझे। नौकी कर देती दरवाजा कम से कम।
मैं गुजर रही थी, मुझे सामने आप नजर आ गई तो मैं इसलिए आ गई। आपको रुशना की याद आ रही है? हाँ बेटी है मेरी, भले सारी दुनिया भूल जाए मैं तो नहीं भूल सकती ना उसे। सब याद करते हैं उसे, कोई भी नहीं भूला। ये और बात है, कोई जाहिर नहीं करता। रहने दो रहने दो, अच्छी तरह से पता है मुझे। चली गई वो यहाँ से, सबने शुक्र अदा किए होंगे, अकेले जो राज करेंगे अब हर चीज पर। कांटे की तरह खटकती थी मेरी बच्ची सबकी नजर में, अच्छा ही हुआ जो चली गई। भाभी जान कैसी बातें कर रही हैं आप? सही बातें कर रही हूँ मैं, रहने दो बात, बस ना मुंह खुलवाओ, जाओ मैं कुछ जरूरी काम कर रही हूँ वैसे भी। फातिमा दरवाजा बंद करके जाना। शुक्र। क्या सोच रही हैं अम्मी? कुछ नहीं, बस नौफल की फिक्र खाए जा रही है। उसे उसके घर में आबाद देख लूं तो सुकून आ जाएगा। नौफल अब पहले से काफी बेहतर है, और भी हो जाएगा, वक्त बड़े से बड़ा जख्म भर देता है। क्या सोचा था, क्या हो गया? मत सोचो, इसमें भी नौफल के लिए कोई अल्लाह ने बेहतरी लिखी होगी। ठीक है फिर, मुझे भी बस यही बात इतमान दे। और वैसे भी अम्मी, नौफल ने तो बहुत चाह से उसे अपनाना चाहा था, नियत तो साफ थी नौफल की। धोखा तो रुशना ने दिया है, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा ही करेगा हमारे नौफल के लिए। बेटा घर की बच्ची है वो, क्या कहूँ, ये आसमान की तरफ देख के चलने वाले अक्सर मुंह के बल ही गिरा कर मेरे बच्चे को बहुत तकलीफें दी हैं उसने, फिर भी उसे दुआ ही दे। मौका जैसे ही मिलेगा मैं नौफल से बात करूंगी कि उसने आगे के लिए क्या सोच रहा है। अगर वो शादी के लिए राजी है तो गुल से बेहतर लड़की कोई नहीं हो सकती। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा। आज तो बहुत मजा है आपके साथ खेलते हैं, रोज क्यों नहीं खेलते आप मेरे साथ? सॉरी बेटा, मेरी तबीयत खराब थी ना इसलिए। आप तो ठीक है ना? हाँ। अब आपको रोज खेलना पड़ेगा। वैसे रिश्ते को कुछ चली करना और भी ज्यादा मजा आता, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती। यूसुफ ने एक ऐसा सवाल कर दिया, कहीं नौफल को फिर सब याद ना आ जाए। क्या हो गया बेटा, मैं भी इतना बुरा नहीं हूँ, अच्छा ही प्लेयर हूँ। और हम एक काम करेंगे ना, हम गुल पुप्पो को सिखा देंगे क्रिकेट। ये तो बहुत अच्छा हो जाए, गुल पुप्पो बहुत अच्छी है, वरना रिश्ते पुप्पो तौबा, पहले नंबर की चीटर। ये तो तुमने ठीक कहा, वाकई चीटर। दिले सा बंजर हुआ, कुछ नहीं खेल सका। नौफल क्या हो रहा है भाई? दादू आज हमने बहुत खेला और हमने टीम्स भी बनाई हैं, अब हम रोज खेलेंगे। क्या बात है भाई, अंपायरिंग मैं करूंगा। ओके यूसुफ बेटा, रोज नहीं वीकेंड पर खेलेंगे, अब चलो पढ़ाई करो जाके। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज। चलो आज तुम्हारी जरा फिजिकल एक्टिविटी हो गई। हाँ जी गुड। गुलपू बहुत अच्छी है, वरना रश्ना पुप्पो तौबा, पहले नंबर की चीटर। अम्मा जी आप तो जानती हैं, उष्णा और गुल में मैंने कभी कोई फर्क नहीं किया,
मुझे तो हमेशा ऐसे लगता है जैसे मेरी एक नहीं दो बेटी है, और रुशना को तो मैंने अपनी गोदों में खिलाया। बेटा मैं तो सब जानती हूँ, लेकिन तुम भी तो फैजा की तबीयत समझती हो, कहाँ वो किसी का लिहाज रखती है। इसीलिए तो मैं उससे बात नहीं करती हूँ, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। और बेटा तुम फैजा की बातों को दिल पर मत लो, बस दुआ करो अल्लाह से कि हमारे अंदेशे और वसवसे गलत साबित हों और रुशना अपने घर में बसी रहे। आमीन। मैं रुशना के कमरे के बाहर से गुजर रही थी, भाभी रुशना के कमरे में बैठी हुई थी। भाभी के हाथ में रुशना की ज्वेलरी थी, अपने हाथ में पहन रही थी। दो तीन डब्बे और ज्वेलरी के रखे हुए थे, शायद रुशना की अलमारी से लिया होगा। अजीब है फैजा, उसको क्या जरूरत थी बेटे की चीजें पहनने की, भाई वो उसकी अमानत है, उसे फौरन वापस भेज देना चाहिए। अम्मा जी वो ज्वेलरी बहुत महंगी लग रही, ऐसे लग रहा था जैसे डायमंड का, दूर से चमक रहा था। अरे रहने दो डायमंड का, रुशना के पास कहां से आएगा डायमंड, आर्टिफिशियल होगा वो नौफल जो उसको तोहफे में देता रहता। माशाल्लाह कितनी स्मार्ट लग रही है रुशना, पहले से ज्यादा खूबसूरत भी लग रही है। वाकई रुशना यही डिजर्व करती थी। तुम रुशना के कमरे में क्या कर रही थी? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम रुशना के कमरे में जाकर उसकी चीजें निकाल कर क्या देख रही थी? तो क्या हो गया कि अब मैं अपनी बेटी के कमरे में भी नहीं जा सकती? इस पर भी पाबंदी है, उसके घर तो नहीं गई थी मैं? नहीं कोई पाबंदी नहीं, हजार बार जाओ, लेकिन उसके नाम निहाद शौर ने जो चीजें भेजी है वो तो वापिस कर दो। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं, कोई तमीज, कोई हया, कुछ नहीं है? मतलब जिस लड़के से मैं ताल्लुक नहीं रखना चाहता तुम उसकी चीजें पहन रही हो। अच्छा तो फातिमा ने आपके कान भर के भेजा है आपको, समझ गई मैं। बकवास बंद करो, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, और अगर किसी ने कुछ कहा भी होता तो कोई गलत नहीं था। रुशना को फोन करो, उसको कहो कि बंदा भेजे और जितनी उसने चीजें भेजी है सब के सब वापस लेके जाए। कह दूंगी, नहीं है वो मुल्क में, जब आएगी तो कह दूंगी। ओ अच्छा अच्छा, मतलब रास्ते में है आप उसके? हाँ तो क्या मैं अब अपनी बेटी से फोन पे भी बात नहीं करूंगी? करूंगी मैं उससे फोन पे बात, लेकिन शोभी मेरा हक है, आप ये नहीं छीन सकते मुझसे। तुम्हारा हक तो मैं तुम्हें समझाऊंगा। अच्छा अम्मी खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, थोड़ी देर रुक जाती, भाई आ जाते वो तुम्हें खुद छोड़ देते। अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? और खामखा मामू भी परेशान होंगे, मैं चली जाऊंगी। ये दरवाजा क्यों खुला छोड़ दिया? 4 साल से यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, रास्ते आ गए हैं सारे मुझे। पहले की बात और थी, पहले तुम्हारे साथ रुशना होती थी। हाँ लेकिन अकेली में जाती रही हूँ ना। कहाँ जा रही हो गुल? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलवाने थे तो मेरा जाना जरूरी है। तो मैं छोड़ देता हूँ, आ जाओ। अरे नहीं नहीं, तुम ऑफिस जाओ, तुम लेट हो जाओगे, मैं चली जाऊंगी। मुझे तुम्हारी यूनिवर्सिटी की तरफ ही जाना है, मुझे ऑफिस का कुछ सामान लेना था, तुम आ जाओ और ड्रॉप ही। मुझे नफल ठीक कह रहा है, इसे साथ चली जाओ। पहले अम्मी इतना परेशान हो गई थी, इनको लगा था मैं किसी महाज पे जा रही हूँ, और अब तुम्हें देख लिया है। मैं छोड़ दूंगा इसे, आप फिक्र ना करो, जाओ आ जाओ। अच्छा ठीक है, तुम हम खाए परेशान हो, मैं चली जाती। अरे चलो ना। तो अब फातिमा की नजरें नौसी पर। हाँ उसकी बेटी को इससे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिलेगा? ऐसा क्या गुनाह कर दिया था मैंने? ऐसा क्या किया था जो तुम लोगों ने इस बात का बतंगड़ बना दिया? दादी कैसा बतंगड़? कैसा बतंगड़? तुमने अपने भाई से मेरी शिकायतें लगाई, इतना बरसे हैं वो मुझ पर, जैसे मैं अपनी बेटी के कमरे में नहीं उसके घर चली गई थी, जबकि जा सकती हूँ मैं, मेरी बेटी का घर है, हक बनता है मेरा। अभी आपको गलतफहमी हुई है, मैंने भाई से किसी किस्म की कोई बात नहीं की। बस फातिमा
इतनी मासूम तुम हो नहीं जितनी बन रही हो। सबके सामने तो तुम ऐसे रहती हो जैसे तुम्हारे मुंह में जुबान ही नहीं, लेकिन पीठ पीछे तुम मेरी चुगलियां लगाती हो। शहूद मुझ पे इतना नाराज हुए हैं, और ये तुम सब कुछ इसलिए कर रही हो ना ताकि शहूद मेरे और मेरी बेटी के मजीद खिलाफ हो जाए। ये क्या शोर मच रहा है यहाँ? कुछ नहीं अम्मा जी, वो भाभी को बस गलत फहमी हो गई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई मुझे, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ हर्फ बहर्फ ठीक कह रही हूँ। फातिमा ने मेरी शिकायतें की हैं शहूद से, इतना बरसे हैं वो मुझ पर। अम्मा आप तो सबको सबक देती हैं ना कि इधर की बात उधर नहीं करनी चाहिए, अपनी बेटी को नहीं सिखाई आपने ये बात? बस फैजा बहुत बोल रही तुम, किसी ने तुम्हारी शिकायतें की है शहूद से? मेरा बेटा तो पहले इतना बेसुकून है और इन्हीं बातों की वजह से हम उसे मजीद परेशान नहीं कर सकते। और एक बात सुनो, अगर उसने तुमसे कुछ कहा है ना मैं जरूर पूछूंगी उससे जाकर, घर का रहा सुकून बर्बाद हुआ जा रहा है। जी अम्मा जी जरूर पूछिएगा शहूद से, ताकि हमारे इख्तलाफात और बढ़े और झगड़ा हो हमारे दरमियान। अरे फातिमा संभालो खुद को, जानती तो हूं फायजा का गुस्सा। बेशक वो मुझ पर गुस्सा करे, मुझे बुरा नहीं लग रहा, लेकिन झूठे इल्जाम तो ना लगाए मुझ पर। अच्छा बात क्या हुई है? फायजा की तो वही मिसाल है, तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। अच्छा चुप हो जाओ। बचपन में अम्मी की डेथ हो गई थी, मैट्रिक में आई तो पापा चल बसे, दो बड़े भाई थे, बहुत ख्याल रखते थे, प्यार करते थे, लेकिन भाभियों को बर्दाश्त नहीं होता था। पता है उनकी गैर मौजूदगी में भाभियाँ अजीब अजीब ताने कसती थीं, मनहूस, माँ बाप को खा गई, बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन मैंने कभी अपने भाइयों से जिक्र नहीं किया, घर का माहौल ख़राब ना हो जाए। पता है गुल, भाभियों के ये ताने कसने के बावजूद मैंने कभी अपने दिल पर ये बात नहीं सवाल की, क्योंकि मुझे अल्लाह पे यकीन था कि किस्मतें तो वो बनाता है, और देखो अल्लाह ताला ने मेरे लिए कितना अच्छा किया, इतना अच्छा शौहर, इतना अच्छा ससुराल। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं भाभी, बचपन से यह एहसास कि मेरे अपने बाप ने मुझे ओन करने से इनकार कर दिया, सारी जिंदगी नाना के घर में गुजारी, मामू ने किफालत की, इस महलमी ने मुझे तोड़ के रख दिया था कि अब ये सब। हौसला ना हारोगे, अल्लाह अपने प्यारे बंदों को ही आजमाता है। तुम फिक्र ना करो, देखना तुम्हें कितनी खुशियां मिलेंगी, अच्छा घर, अच्छा मियाँ और चाहने वाला ससुराल। मिलेगा क्या? समझो मिल गया भाई, नौफल भी ठुकराया हुआ और इनके हालात भी ऐसे ही हैं, तो दोनों की जोड़ी तो परफेक्ट रहेगी। मामी आपको ऐसी बातें जेब नहीं देती। जेब नहीं देती और इन्हें जेब देता है कि नौफल के साथ बाइक पे बैठकर घूमती फिरती फिरे? शर्म हया भी कोई चीज होती है कि नहीं? अरे लिहाज ही कर लेते, कजन का मंगेतर था वो। रुको मेरी बात सुनो गुल, आपने बहुत गलत बात की है, और अगर वो नौफल के साथ बैठ के चली भी गई तो क्या हर्ज है? नौफल अब आपकी बेटी का मंगेतर नहीं रहा, तो आपको एतराज नहीं होना चाहिए। एतराज करती है मेरी जूती मैडम, कोई एतराज वैतराज नहीं है, और वैसे भी नौफल के साथ ऐसी ही लड़की सूट करती है, यतीम यसीर मिस्कीन सी, जिसको बाइक भी जहाज लगे। क्या मजा है कि मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था मैं वापस आऊं। जिब्रान एंजॉय किया तुमने? हाँ तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा मजा शॉपिंग करने का आया। आई नो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें शॉपिंग में सबसे ज्यादा मजा आता है। दुबई इतना खूबसूरत है, मेरा तो दिल नहीं चाह रहा था मैं वापस आऊँ और तुम ले आए। तुम फिक्र क्यों कर रही हो, हम हर दो तीन महीने के बाद शॉपिंग पे जाया करेंगे ना। मैं क्या करता यार, बिजनेस मीटिंग्स हैं और बिजनेस भी तो इम्पोर्टेंट है ना। चलो कोई नहीं, फिर चले जाएंगे। हाँ साहब जी आप लोग आगे। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक हो? एक काम करो, कुछ सामान अंदर लेकर आ जाओ, और खाने के लिए कुछ है? जी साहब जी मैंने बनवाया। एक काम करो सैंडविच भी बनवा लो, आप साथ में कॉफी भी। ठीक साहब चलें। भाई नौफल भी ठुकराया हुआ और इनके हालात भी ऐसे ही हैं, तो दोनों की जोड़ी तो परफेक्ट रहेगी। मामी आपको ऐसी बातें जेब नहीं देती।
मुझे जेब नहीं देते और इन्हें जेब देता है कि नौफल के साथ बाइक पे बैठकर घूमती फिरती फिरे। शर्म है अभी कोई चीज होती है कि नहीं? अरे लिहाज ही कर लेते, कजन का मंगेतर था वो। मामी को क्या हो गया है? आजकल उन्हें मेरी हर बात बुरी लग रही है। पहले तो ऐसी नहीं थी, पहले भी ऐसा ही था। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वो रुशना के साथ मुकाबले की वजह से मुझ पे तंज करती थी और अब नौफिल का नाम जोड़ने लगी है। मगर मैं इस बात को इतना सीरियस क्यों ले रही हूँ? ना ही मैं ऐसी हूँ और ना ही नौफिल। हमारे जमीर बिल्कुल साफ है, तो फिर मुझे इस टेंशन की क्या जरूरत है? मैंने तुम्हारी मोहब्बत को दिल की गहराइयों में दफन कर रखा है नौफिल, खुद पे भी जाहिर करने से डरती हूँ, तो फिर किसी और को क्या मालूम होगा? लेकिन फिर भी मामी ने इतनी बड़ी तोहमत लगा दी मुझ पे, उनके लहजे की काट ने मेरे दिल को जख्मी कर दिया है, तो फिर उन्हें तुम्हारी क्यों फिक्र है? बहुत बदकिस्मत है रुशना, चंद कांच के टुकड़ों के लिए हीरे जैसा दिल रखने वाले शख्स को छोड़ दिया। मुझे तो हैरत इस बात की है कि फाइजा ने अम्मा का भी ख्याल नहीं किया। उनके सामने ही वो फातिमा को बुरा भला कहती रही और फिर अम्मा से भी बदतमीजी की। वैसे फूफो तो बहुत नरम मिजाज की, सबके काम बहुत खुशी से करती हैं। उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी फूफो से। मैंने तो हमेशा फातिमा को ही किचन में देखा या फिर अम्मा की खिदमत करते हुए, कभी भी उसकी जबान से शिकायत का एक लफ्ज नहीं सुना। लेकिन फायजा को तो घर की जिम्मेदारियों से कोई वास्ता ही नहीं है, बस जबान चलती है उसकी। और जबान भी ऐसी चलती है कि क्या बताऊं? फातिमा पे इतने अजीब अजीब इल्जाम लगाए। कैसा इल्जाम? कह रही थी कि रुशना के जाने से तो आप लोगों को फायदा हुआ है, अब राज करना मेरी बेटी तो इस घर में सबको खटकती है। लेकिन वो तो अपनी मर्जी से गई है ना, उसे किसी ने नहीं भेजा, तो फिर ये इल्जाम कैसे लगा सकते हैं वो लोग? सही कह रही, कल को भी उल्टी सीधी सुना दी गुल को आंटी ने। मेरे साथ आराम से बैठी हुई थी, आ गई अचानक और कहने लगी कि तुम्हें क्या जरूरत थी नौफल के साथ यूनिवर्सिटी जाने की बाइक पे बैठ के, कुछ तो ख्याल करती तुम्हारी कजिन का मंगेतर है। हाँ, मुझे बताया था नौफल ने कि वो उसको यूनिवर्सिटी ड्रॉप करके आया। लेकिन फायजा एतराज करने वाली कौन होती है? उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि तुम और नौफल ठुकराए हुए हो, एक साथ अच्छे लगोगे। तो तुमने कुछ नहीं कहा, तुम्हें जवाब देना चाहिए था आगे से। अरे बेटा, वैसी घटिया बातों को क्या जवाब देती? बजाय इसके कि अपनी बेटी के करतूतों पे वो शर्मिंदा हो, उल्टा अकड़ अकड़ के बात करती है सबसे। तुम क्या थी और क्या हो गई रुशना? पाकीज़गी की चादर उतार के ये जो बेहयाई का लिबादा पहना है तुमने, घिन आ रही है तुमसे। क्या देख रहे हो? लग रही हो ना पहले से ज्यादा हसीन। जाहिर है अब ऐसे ही तो अरबपति जिब्रान ने मुझे पसंद नहीं किया, हसीन हूँ इसलिए तो पसंद किया। क्या फजूल बकवास कर रही हो, जाओ यहाँ से। ओ, जेलिस हो रहे हो जिब्रान का नाम सुनकर? हाँ, मुझे ना तुमसे कोई मतलब है और ना तुम्हारे उस जिब्रान से। और तुम लोगों में ऐसा है क्या कि मैं तुमसे जेलिस हूँ? हम में ऐसा क्या है, हमारे पास सब कुछ है। और तुम्हारे पास है क्या? ये वही खटारा बाई पहले की तरह, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं।
हैरत है वैसे, तुमने कोई रखी वरक्की नहीं की अभी तक। तो क्यों आती हो इस खटारा बाइक वाले के पीछे, क्यों आती हो उस गरीबों के मोहल्ले में? जाओ अपने दौलतमंद शौहर के पास जाओ। मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी, ये तुम्हारी खुशफहमी है मिस्टर मुकबल। मैं आसमानों में उड़ रही हूँ और तुम अभी भी जमीन पर हो, और जमीन में ही रहना। दादा आसमानों में उड़ने की कोशिश भी मत करना, समझे? सामान ले आओ। पहलती आग थी, राख है उड़ चुकी, रह गया है धुआं, मंजिलों को कहां छू सकी कोई ना, एक पल की खुशी और दुख बेपनाह, बेपनाह, बेपनाह। अम्मा मेरा ख्याल है कि अब शैला भाभी से बात करें और कहें कि नौफिल के लिए भी कुछ सोचे। बेटा मैं किस मुंह से नौफिल के बारे में बात करूं? मुझे तो शर्म आ रही है उसके बारे में कोई भी बात करते हुए। आप भी ठीक कह रही हैं। नौफिल की कहीं शादी हो जाए तो कम से कम हमें जुर्म का एहसास कम हो जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पाए बनाने कर लिए। आप ताना मारने का कोई मौका नहीं जाने देते शहूद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये मुझे दे दो, जाओ तुम। पापा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? पापा प्लीज अब तो अपनी नाराजगी खत्म कर दे, मेरी शादी हो गई और मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में जिब्रान के साथ। अरे तो रहो उसके साथ खुश, लेकिन मेरे घर से निकल जाओ फौरन। बाबा मैं क्या कर रहे हैं, शहूद बेटी है आपकी। तुम इसको बेटी कह रही हो? इसको बेटी कह रही हो जिसमें नजर डालते हुए मुझे शर्म आ रही है। अच्छा मैं इसको समझाऊंगी। तुम समझाओगी? एक काम करो, इसके साथ इसके घर पे जाओ और वहां बैठ के समझाओ, देख लो मेरे घर से। सका साहिबान कब पता ये चला, जिंदगी है कहाँ, मेरे चारों तरफ फैलती आग थी, राख है उड़ चुकी, रह गया है धुआं, मंजिलों को कहाँ छू सकी कोई ना, बेटे से के चली जाए यहाँ से और तुम अंदर आओ। अम्मी मैं अब यहाँ एक मिनट और मजीद नहीं रुकूंगी, बहुत बेइज्जती बर्दाश्त कर ली मैंने अपनी। रुकना भी मत, कान खोल कर सुन लो, जिस हुलिया में तुम आई हो ना, अगर आस पड़ोस ने देख लिया तमाशा बनेगा हमारा, वैसे ही तुम तो तमाशा बना चुके हो पहले ही। अम्मा क्या हो गया, ब्याह की रुखसत होकर गई है इस घर से, भाग के तो नहीं गई? बंद करो अपनी ये बकवास, मैंने जो कहा है उस पे सुनो, अमल करो जो मैं कह रही हूँ, भेजो अपनी बेटी को यहाँ से और अंदर आओ तो दरवाजा बंद कर लेना। मैं आपको बता रही हूँ मैं आइंदा यहाँ कभी भी नहीं आऊंगी, मुझे कोई शौक नहीं इस खटारे जैसे घर में आके अपनी बेइज्जती कराने का बार बार। बात सुनो रुश्ता, मैं समझा लूंगी, वो गुस्से में है, तुम मुझे बता तो देती आने से पहले। जो सामान इसके अंदर रखा है इसके हवाले करो और रवाना करो इसको यहाँ से, अंदर आओ तुम फौरन। अम्मी मैं यहाँ सिर्फ आपके प्यार की वजह से आती हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं यहाँ पे अपनी बेइज्जती कराने का, लेकिन जितनी मेरी बेइज्जती हो गई है ना, मैं अब यहाँ आइंदा कभी नहीं आऊंगी। मेरा क्या कसूर है रुश्ता? जानती हूँ मगर आपकी चलती भी तो नहीं ना यहाँ, बस मैं अब आइंदा यहाँ नहीं आऊंगी, जब आपको मिलना होगा ना मुझसे आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए गाड़ी और ड्राइवर भिजवा दूंगी, ठीक है?
ऐसा ही करूंगी। अच्छा सुने, वो जो मैं सारे गिफ्ट लाई थी ना, वो आपके लिए लाई थी, वो आप ना अपने कमरे में छुपा के रख लीजिएगा, ठीक है? फिर बच्चों, जाओ ये लोग आ जाएंगे। ठीक है, ओके ओके।